मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतिहास बना है कांग्रेस का, और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे निकल गया जिनका बराबर की सीटों पर लड़ने का दम नहीं। वो दमदारी किसको कहते हैं? ये शब्द तो बदलना पड़ेगा आजकल, दमदारी का दमदारी, दारी मतलब दम तो होना चाहिए आप में। तो ये जो वर्तमान का चुनाव है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब कार्यकर्ता होने के नाते जहां जिसको जिस जगह पर दिया मौका, उस तरह से क्या मध्यप्रदेश का चुनाव हुआ है, एक दो तीन चार, चारों चरण के चुनाव में एक के बाद एक, एक के बाद हमारी अपनी ये भाजपा है, और ये भाजपा बाकी लोगों के लिए प्रमाण है कि जो हमने नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन का जो समय भाजपा चुनती है और पीढ़ी परिवर्तन को जो स्थापित करती है, ये नए खून को, युवाओं पे भरोसा को, और बदलते दौर में लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका भी रहता है कि एक तरह से हमारी टीम तो ये तुलनात्मक रूप से तीसरी पीढ़ी की आ गई, लेकिन कांग्रेस पहली पीढ़ी को नहीं छोड़ रही। उसी प्रकार से जैसे बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, उनका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जीवंत तरह के चुनाव में आप जब तक अपनी जनता की भावनाओं को समझ करके जनता के सामने नहीं आओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और इसीलिए पूरे देश का उदाहरण देखा हमने कि दोपहर 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 45, 46, 47 यहां तक कि मैं 48 के टेम्परेचर पे भी दिन में 12 बजे जब रोड शो कर रहा था तो भाजपा के कार्यकर्ता उस तपती धूप में भी धूमधाम से जनता के बीच में कल साथ में थे। अमृतसर में भी 47-48 का टेम्परेचर हुआ है, लेकिन यहां से पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह जिस प्रकार का माहौल दिखा है, मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। वर्तमान में भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना है, निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं 400 पार, और ये बात सही है कि अब लोग बहाने बनाने लगेंगे, ईवीएम खराब है, ये डीएम ईवीएम दोनों मिल गए, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन मैं आपके सबके माध्यम से आपका आभार भी मानता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि इतने बड़े चुनाव अभियान में, और ये अच्छी बात है सभी पार्टियों के लिए, राज्य के मुखिया होने के नाते से मैं कहना चाहूंगा कि सभी दलों ने मिलकर के आपस के अंदर हमारी अपने अपने चुनाव अभियान के दरमियान आपस में संघर्ष की नौबत हमारे यहाँ नहीं आई, हम अपने अपने ढंग से चुनाव लड़ते रहे, अपने विचारों की लड़ाई है, और इसलिए मध्यप्रदेश की जो गौरवशाली विरासत थी उसको बनाए रखा है। एक दूसरे के लिए चुनाव में बोलना अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत कटुता वाली कोई घटनाक्रम को सभी कार्यकर्ताओं ने टाला और बहुत स्वस्थ वातावरण में अपनी अपनी बात रख करके कहने का मौका लिया दिया, और उसका परिणाम यह आया कि हमारे चारों चरण में एक भी किसी भी पार्टी के साथ किसी प्रकार का परस्पर कोई मन का मनमुटाव हो जाए ऐसा अवसर नहीं आया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे प्रदेश की जनता को, विपक्ष वालों को भी इस धन्यवाद दूंगा, उसकी भी जवाबदारी जिनने दोनों तरह से इसको निभाया है। मेरी अपनी बात तो खत्म हो गई, अब ये बात सही है कि मैं यहां बैठा हूं तो ये दुविधा भी महसूस कर रहा हूं कि ये चुनाव की बात करने के लिए हम प्रेस में जरूर बैठे हैं, लेकिन लोग सरकार की बात करेंगे, पर मैं कह रहा हूं 5 साल है जल्दी क्यों करो, तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि बातें सरकार की सरकार में कर लेंगे, आज तो चुनाव की बात करें क्योंकि चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं एक बात